वेलकम टू माई चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कम्प्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CPO की, चाहे रेलवे की, चाहे CHSL के लिए, सर्ट्स एंड इंडिसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये पार्ट 5 है। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 से पार्ट 4 बना चुका हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। अगेन मैं बता दूँ कि मैं आपको प्री प्लस मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ, ताकि आपसे कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से छूटने ना पाए। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में ऑल अर्थमेटिक टॉपिक्स, ये 17 टॉपिक्स अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप इस पूरे के पूरे कोर्स अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ, आप सारे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो सिर्फ ₹200 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ यानी 400 प्लस वीडियो आपको मिल जाएंगे आसानी से। उसके साथ साथ PDF और डाउट ग्रुप भी मिलने वाला है। आप कैसे ज्वाइन करोगे उसके लिए भी मैं बता दूँ। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में आपको एडवांस मैथ की भी ये चीज़ें चल रही हैं। ये तो टॉपिक्स ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुके हैं। ज्योमेट्री ऑन गोइंग टॉपिक है और सर्ट्स एंड इंडिसेस ऑन गोइंग टॉपिक है। आप भी उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ ₹200 पे करके आप पूरी की पूरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के साथ आप PDF के साथ साथ आपको डाउट ग्रुप की भी फैसिलिटी मिल सकती है। पे कैसे करना होगा, पेटीएम के थ्रू पे करना होगा, तेज ऐप्स के थ्रू पे करना होगा, अकाउंट नंबर दे उसके थ्रू पे करने के बाद आपको उस पे स्लिप की स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो। सेकेंड, आपको PDF की लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको टॉपिक वाइज PDF हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। थर्ड, आपको डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, ताकि आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, मान लो SSC एग्जाम्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई चीज़ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हो। जस्ट आपको वो भी फैसिलिटी मिल रही है। और 300 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। 1 to 30 तक ऑलरेडी मैं क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। टोटल सर्ट्स एंड इंडिसेस पार्ट 8 तक बनेगा और 63 या 64 क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपसे कर रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एक दो मिल जाते हैं मेंस के पेपर में देखने को। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पे पावर 350, दूसरा दियो 5 पे पावर 200, तीसरा दियो 3 पे पावर 300 और चौथा दियो क्या 4 पे पावर। देखो, आपको एक चीज़ पता हो जाना चाहिए कि देखो सारे में क्या है, 50 कॉमन दिख रहा है। 350 को मैं लिख सकता हूँ 50 × 7, 200 को लिख सकता हूँ 50 × 4, 300 को लिख सकता हूँ 50 × 6, 250 को लिख सकता हूँ 50 × 5, यानी कि सारे में कॉमन है। डैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पे पावर, इसको ब्रेक कर दिया, डैट मीन्स क्या 50 × क्या इस पे पावर 7, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए पे पावर एम पे पावर अगर एन हो तो क्या हो जाता है, ए पे पावर एम एन हो जाता है। अगर ये दिया हो तो इसके इस तरह से भी लिख सकते हैं, उस तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ 5 पे पावर 50, 50 पे पावर क्या हो गया, चलो ऐसे कर लो, उल्टा पहले इसको खींच लो। देखो मैं यहाँ से और चेंज कर देता हूँ इस तरह से। देखो आपको अब पता चल रहा है ना कि क्या, किसी तरह अगर हम पावर पता चल जाएगी, पावर अगर इक्वेट कर दें, देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, 2 पे पावर 7 को मैं अंदर खींच लेता हूँ, 7 को अंदर खींच लिया तो क्या हो गया 50, क्योंकि 50 × 3 कितना होता है 350। उसी तरह 5 को क्या 4 ऊपर 4 को अंदर खींच लेता हूँ तो क्या हो गया 50, क्योंकि 50 × 4 कितना होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो 50 × 4 कितना हो गया 200। ये मल्टीप्लाई नहीं है, अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है क्या 3 पे पावर, बताओ 3 पे 6 अंदर खींच लूँ तो ये क्या बन जाएगा 50 × 3 कितना होता है 300। ये अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पे अलग अलग बोल देता हूँ, इसको तो अरेंज करना है। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, इसकी बात करूँ तो 4 पे पावर 5 को अंदर खींच लिया और क्या हो जाएगा 50 × क्या हो गया 5, 250। अब 2 पे पावर 7 आपको पता होना चाहिए, 2 पे पावर 6 कितना होता है, 2 पे पावर 6 होता है 64, तो 2 पे पावर 7 एक मल्टीप्लाई 2 से कर लो कितना हो गया 128, यानी 128 पे पावर 50 हो गया। 5 का स्क्वायर, देखो 5 पे पावर 4 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर 25 × 25, 625 पे पावर क्या हो गया 50। थर्ड क्या हो गया 3 पे पावर 6, देखो 3 पे पावर 4 × 3 पे पावर स्क्वायर
थ्री पे पावर कितना फोर होता है, 81 इंटू थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो थ्री पे पावर सिक्स हो जाएगा, यानी कि 9 729, 729 पे पावर कितना हो गया 50, 4 पे पावर 5, देखो 4 पे पावर 4 का क्यूब इंटू 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 4 का क्यूब कितना 64, ठीक है, इंटू चलो इस तरह से लिख सकता हूँ 4 एस पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 4 इंटू 4 पे पावर 1, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इसको लिख सकता हूँ इंटू 4 पे पावर 1, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना 256, और 256 इंटू 4, 256 इंटू 4 क्या हो जाएगा 6 6 के 24, 1024, ठीक है, 5 5 के 20 2 22, 4 2 8, 1024 पे पावर क्या हो गया 50। अब आपको देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था, पावर सेम है, पावर सेम है तो जो अंदर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो बड़ी, और जो सबसे छोटी होगी छोटी। सबसे बड़ा कौन है, अंदर की, अंदर की वैल्यू सबसे बड़ा ये है, यानी ये बड़ा होगा, उसके बाद कौन बड़ा है ये, उसके बाद कौन बड़ा है ये, तो इस तरह से घटते ही क्रम में सजाना था। घटते क्रम में सजाने का मतलब कि सबसे सबसे पहले हमें ये लिखना पड़ेगा सबसे बड़ा कौन सा था, ये वाला, यानी 4 पे पावर 250 बड़ा है, उसके बाद कौन बड़ा था, ये वाला 3 पे पावर 300, उसके बाद कौन बड़ा था 5 पे पावर 200, उसके बाद कौन बड़ा था 2 पे पावर 3। वही चीज इसी को उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे, तो इस तरह से आपको समझना है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन को बनाने का एक ऐसा तरीका आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपसे कह दिया गया ऐसे ही क्वेश्चन, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाओ, घटते क्रम में सजाना है, घटते क्रम में सजाना। देखिए 2 पे पावर 72 है, 5 पे पावर 36 है, 4 पे पावर 48 है, 3 पे पावर 60 है। अब आपको इतना पता चल रहा है कि देखो सारे में मैं 72 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 6, 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, 12 इंटू सॉरी इसको मैं 12 इंटू 3, क्योंकि सारे में मैं क्या कहना चाहता हूँ मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। देखो ध्यान से, वही चीज़ें जिस तरह से पहले लिया था उसी तरह से लेकर समझा देता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि 4 हमारे पास दिया हुआ है, 2 पे पावर 72, 5 पे पावर 36, 4 पे पावर 48 और 3 पे पावर 60। मैं बोल रहा हूँ कि सारे में देखो, सारे में बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है। देखो 72 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 6, 36 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 3, 48 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 4, 60 को लिख सकता हूँ 12 इंटू 5। देख दिख के पता चल गया कि सारे में क्या है 12 12 12 12 12 12 12 12 कॉमन है, यानी कि मैं इस 6 को अंदर ले जाऊँ तो 2 पे पावर 6 पे पावर क्या हो गया 12, 72 हो गया, 5 पे 3 को अंदर लेके जाऊँ 30 सॉरी क्या हो गया 12, 4 पे पावर 4 को अंदर ले जाऊँ तो क्या हो गया 12, इस 4 को अंदर, इस 3 को अंदर और इस 5 को अंदर, 3 पे पावर 5 पे पावर क्या हो गया 12, 2 पे पावर 6 कितना होता है 64 पे पावर 12, 5 का क्यूब कितना होता है 125 पे पावर 12, 4 का पावर 4, 4 का क्यूब 64 60, चलो ये तो 256 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, क्यों 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर 256 पे पावर 2, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 4 कितना होता है 3 पे पावर 4 होता है 81, 81 इंटू 3, 81 इंटू 3 कितना हो गया 243 हो गया, तो 243 पे पावर कितना हो गया 12, कहीं यहाँ पे मिस्टेक तो नहीं कर दिए थे ना, नहीं 3 पे पावर 6 था, ठीक है, इसीलिए। चलो अब देखिए, अब बता, अब यहाँ पे आपको ये पता चल गया हमने क्या कर दिया, पावर सेम कर दिया, पावर डिफरेंट था, अब हमने पावर सेम कर दिया, तो जो नीचे बड़ा होगा, जो नीचे बड़ा होगा वो बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन है ये वाला टर्म्स, ये वाला टर्म्स, ये वाला बड़ा है, यानी सबसे बड़ा कौन होगा ये वाला 4 पे पावर 48 सबसे बड़ा है, उससे छोटा इसके बाद कौन छोटा है, इसके बाद इससे छोटा, इसके बाद कौन बड़ा है ये, यानी इस कौन सी होगी 3 पे पावर 60, क्योंकि घटते क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद कौन होगा ये वाला, ये वाला कौन है 5 पे पावर 36, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 पे पावर, लास्ट बचा कौन सा 72। तो इस तरह से हम अरेंज करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर आ गया, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में सजाना है। अब हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 इस तरह से क्यूब रूट, 4 इस तरह से 4 दिया हुआ है, 6 इस तरह से 6 दिया हुआ है, 12 इस तरह से 12। आपको मैंने बताया था सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखो, 3 पे पावर क्या है 1 बाई 3, इस
ये क्या हो जाता है, 4 पे पावर, पहले अंदर वाला 4 है, 4 पे पावर, ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, 1/4, 6 पे पावर 1/6, और 12 पे पावर क्या, 1/12। अब मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, क्या अगर आप पार्ट 3 वीडियो देंगे, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम, 12 का एलसीएम, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। सबसे बड़ा नंबर देखो कौन है, 12, सारे से डिवाइड हो रहा है ऑलरेडी, तो 12 क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया, 12। तो 12 बनाने के लिए देखो 3 पे पावर 1/3 है, 12 बनाना है नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, 12 हो गया, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पे पावर 1/4, 12 बनाना है तो क्या, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 6 पे पावर 1/6 है, इसको क्या, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करूँगा तो 12 बन जाएगा, नीचे 12 पे पावर क्या, 1/12 है, 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से मल्टीप्लाई 1 से, ऑलरेडी 12 नीचे था, तो ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, 3 पे पावर क्या हो गया, 4/12, ये क्या हो गया, 4 पे पावर 3/12, ये क्या हो गया, 6 पे पावर 2/12, ये क्या हो गया, 12 पे पावर 1/12। अब मैंने बताया था आपको क्या कि इस 4 को अंदर ले जाओ तो कितना हो गया, 3 पे पावर 4 पे पावर 3 पे पावर 4 1/12, 4 का क्यूब 1/12, 6 का स्क्वायर 1/12, और ये क्या, 12 पे पावर 1/1/12। अब आपको यहाँ पता चल गया होगा वैल्यू क्या है सारे की, 3 पे पावर 4 क्या है, 81 पे पावर 1/12, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 पे पावर 1/12, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 पे पावर 1/12, और 12 का मतलब क्या, 12 पे पावर 1/12। अब देखो पावर सारे पे क्या है, सेम है, जिसकी वैल्यू बड़ी उसकी वैल्यू सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली, यानी ये सबसे बड़ा होगा, यानी 3√3 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, 64, यानी क्या, 4√4, उसके बाद बड़ा कौन सा होगा, उसके बाद ये वाला बड़ा है, यानी ये वाला 6√6, उसके बाद कौन बड़ा है, ये वाला 12√12। तो हमने सजा दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे देखो क्या, जैसे इस तरह से लिखा हो 5√7, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इसके अंदर नहीं है, √7, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा कि 5 * क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए क्या हो जाएगा, 7, यानी क्या बन जाएगा, 35, यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ था, इस तरह से कर सकते हैं। जैसे देखो अगर मेरे पास दिया हुआ है इस तरह से 3√3 + √2 और दिया हुआ है √3 - √2, तो आपको पता चल रहा है ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डैट मीन्स ए स्क्वायर, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये, यानी 3 - 2, डैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, यानी फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब देखिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे कैसे पूछे जाते हैं, देखिए कैसे पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि x की वैल्यू दिया हुआ है 7 + 4√3, आपसे पूछ दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम अलजेब्रा में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज करने वाले हैं। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को पहला तरीका बेसिक मेथड क्या होता है, बेसिक मेथड क्या होता है, उसके बाद मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊँगा। बेसिक मेथड 1/x, 1/x की वैल्यू क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ 7 + 4√3, हम इसको क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या है कि इस वाले नंबर से प्लस है तो माइनस लेके 7 - 4√3 से ऊपर और 7 - 4√3 से मल्टीप्लाई नीचे, क्योंकि अगर ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू निकालेंगे, 1/x क्या हो गया, ऊपर क्या हो गया 7 - 4√3 और नीचे क्या है a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर 7 का स्क्वायर, ए ये है 7 का स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर, 4√3 का स्क्वायर कितना हो गया 16 * 3, डैट मीन्स 48, यानी क्या हो गया 7 - 4√3 / 1, डैट मीन्स 1/x की वैल्यू क्या आ गई 7 - 4√3, ठीक है। तो अब देखिए एक तो ये बेसिक वे है कि बेसिक वे से आपको इस तरह से करना है। अब देखो इसका मैं आपको जनरेटिंग फॉर्म, मतलब कि कोई ट्रिक्स नहीं बताने जा रहा हूँ कि कैसे जनरेट हुआ है, ध्यान से देखिए। x की वैल्यू दी हुई है कि 7 + 4√3 है x की वैल्यू, अगर आपसे 1/x का है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं,
इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का डिफरेंस कितना है। देखो 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 और इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी कि 16 इंटू 3 48। अगर डिफरेंस दोनों के बीच के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 है तो डायरेक्टली, अगर डिफरेंस क्या है 1 है तो डायरेक्टली हम लिख देंगे, अगर 7 + x क्या दिया हुआ था, 7 + 4√3 दिया हुआ था, तो डायरेक्टली हम 1/x कहे, इसका अपोजिट लिखने कहे तो ये प्लस है तो सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस, और डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। देखो वही चीज़ आया था यहाँ से, बस ये तरीका यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, दिया हो कि x = √3 - √2। हम देखेंगे इन इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो गया 3 और इसका स्क्वायर कितना है 2, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1। तो जैसे ही 1 है यानी कि इसका अपोजिट लिखना है, 1/x लिखना है, तो इसी को लिख देते हैं, अगर माइनस था तो प्लस लिख देते थे, प्लस होता तो माइनस लिख देते, ये क्या हो गया आंसर। जैसे देखिए क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर दिया, अब देखिए ध्यान से, x = दे दिया 1/5 - √6, ठीक है। अगर आपसे 1/x कह रहा है तो मैंने बताया था ना सेम लिखो, वही चीज लिखना है 2√6, बस क्या करना है अगर माइनस है तो क्या लिख देना है इसको प्लस, क्यों, क्योंकि इसका पहले हम चेक करेंगे ना। देखो हमने क्या किया, मैंने चेक कर लिया था, डायरेक्टली नहीं लिखना है, 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 6 24, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था 1, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये। अब ये तो आ गया, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 5 - √6, यानी डायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या हो गई इस तरह से। देखो दो तरीका मैं आज आपको अभी समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से, x की वैल्यू अगर मान लो रहता है 5, ये मैं अपने से क्वेश्चन बना रहा हूँ, सपोज डैट x की वैल्यू अगर 5 - √6 है, अगर 1/x की वैल्यू पूछे तो 1/x की वैल्यू क्या चेक कर लेंगे, इसका स्क्वायर कितना है 25, इसका स्क्वायर कितना है 24, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तो डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं 5, इसमें प्लस कर दे, अगर माइनस होता है तो प्लस और प्लस होता तो माइनस, 5 + √6 लिख दिए। अगर उल्टा हो जाए जैसे इस तरह से दिया हो, इसके लिए भी शॉर्ट तरीका, मैंने क्यों इसकी वैल्यू इतना लिख दिया, देखो अगर x की वैल्यू दिया हो 1/5 - √6, ठीक है, अगर आपसे अब अगर 1/x कह दे तो पहले चेक करेंगे, चेक क्या करेंगे, अगर 1 के y डिवाइड के फॉर्म में हो, जैसे देखो ये दिया हुआ है 20, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 24, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है, अगर 1/y के फॉर्म में, अगर 1/x कर रहा है तो डायरेक्टली यही नीचे वाला ऊपर ले जाते हैं और इसमें सिंबल क्या चेंज नहीं करते हैं, सिंबल क्या चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें देखो वही चीज मैंने इसकी वैल्यू रियल में करते क्या है, x की वैल्यू अगर 1/5 - √6 है तो 1/x का मतलब क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है तो यही सेम लिख देते हैं 2√6, लेकिन इसको हम फिर तो ऊपर रेशनलाइज करके लिख सकते हैं 5 - √6, तो अगर 1/y के फॉर्म में हो तो डायरेक्टली नीचे वाला ही टर्म्स लिख देते हैं, अगर डिफरेंस दोनों के बीच क्या हो 1, हमेशा अगर 1 नहीं हो तो डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते, ठीक है, यानी कि ये अगर नीचे वाला माइनस है तो माइनस ही लिख देंगे, लेकिन अगर ये केवल ऊपर फॉर्म में दिया हो, 1/y के फॉर्म में नहीं दिया हो तो डायरेक्टली अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, जैसे देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को, तो ऐसे क्वेश्चन को हम यूज करने वाले हैं आपको। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, आपसे बोल दिया कि 2 + √3 2 - √3 की वैल्यू निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड, नीचे वाला नंबर है ना उसके अपोजिट साइन करके, अगर 2 - √3 है तो क्या करेंगे 2 + √3 से मल्टीप्लाई और 2 + √3 से डिवाइड, क्योंकि इस पर कोई फर्क ना पड़े, अगर कट जाए इसको काट दें तो इसको, अब देखिए ऊपर 2 + √3 2 + √3 दो बार आ गया, यानी कि क्या हो गया 2 + √3 का होल स्क्वायर, नीचे देखिए a - b और क्या है a + b, यानी नीचे क्या है a - b a + b क्या होता है a² - b² a की वैल्यू क्या है 2 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी ऊपर क्या बन गया, ऊपर a + b का होल स्क्वायर तोड़ दूँ तो a² 4 b² √3 का स्क्वायर 3 + 2 ab, 2 * a की वैल्यू कितनी है 2 * √3 डिवाइडेड बाई क्या 1, यानी आपका क्या हो गया 7 + 4√3 / 1, यानी आंसर क्या हो गया 7 + 4√3 इस क्वेश्चन का,
ठीक है, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में हमने कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट फाइव माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस टू, ठीक है। अब रेशनलाइज कर दें, रेशनलाइज करने के लिए क्या, नीचे वाला टर्म्स होता है साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो कितना है, तो रूट फाइव साइन चेंज कर दें माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट फाइव माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऊपर क्या है देखो, दो बार आ गया वही चीज़ें, तो रूट फाइव माइनस टू का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर। अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर रूट फाइव का स्क्वायर फाइव प्लस बी स्क्वायर टू का स्क्वायर फोर माइनस टू ए, ए की वैल्यू क्या है रूट फाइव, बी की वैल्यू क्या है टू डिवाइडेड बाई देखो पाँच का रूट फाइव का स्क्वायर फाइव माइनस ये क्या हो गया फोर, यानी कितना हो गया नाइन माइनस फोर रूट फाइव डिवाइडेड बाई वन, यानी इसका फाइनली आंसर क्या हो गया नाइन माइनस फोर रूट फाइव, यानी इसका फाइनली आंसर क्या हो गया नाइन माइनस फोर रूट फाइव। इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस टाइप्स के क्वेश्चन भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये बेसिक क्वेश्चन थे, अब इस पे क्वेश्चन मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कॉमेंट जरूर करो कि आपको वीडियो से हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।